अब देखिए वो अमीर आगे बढ़ चुके हैं, ईसा अलैहि सलाम आके उसके कंधों पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, अब यहाँ इस हदीस में वो बात नहीं आई है जो इससे पहले की हदीस में मैंने आपको सुनाई कि उम्मत को अल्लाह ने बुजुर्गी दी है इसलिए तुम नमाज पढ़ाओ। ये इस हदीस में अबू उमामा बाहरी की हदीस में ये आया है कि सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम के कंधे पे हाथ रख के अमीर के ये कहेंगे कि तुम नमाज पढ़ाओ, इकामत तुम्हारे लिए कही गई है। ये नहीं फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह के खलीफे हो तुम नमाज पढ़ाओ, ये नहीं फरमा रहे हैं कि तुम इमाम आखिर जमाना हो तुम नमाज पढ़ाओ। आप गौर तो फरमाइए, हुजूर ने इतनी बिशारतें दी हैं। मैं ये माऊद अलैहिस्सलाम के हक में उसमें से एक बिशारत का भी जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम नहीं करते हैं, बल्कि यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए इकामत कही गई इसलिए तुम नमाज पढ़ाओ। तो अमीर का मकाम क्या है, गौर करने का मकाम है। सारी हदीसें देख डालिए, हुजूर ने कहीं भी उस अमीर की सराहत नहीं फरमाई कि वो महदी माऊद होंगे। जब रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया कि वो महदी माऊद होंगे, जब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते कि वो महदी माऊद होंगे, तो फिर आपकी हदीसों में महदी का लफ्ज क्यों धसा रहे हैं, क्यों दाखिल कर रहे हैं? आप गौर तो फरमाइए, सिर्फ इसलिए कि लोगों को यह बावर करवाया जाए कि वो अमीर जो है वो महदी माऊद है। गौर करने का मुकाम है। नतीजा सारी गुफ्तगू का ये निकला कि हमारे यहां कोई ऐसी निशानी नहीं है, कोई खरीना ऐसा नहीं है अहादीस में कि जिसकी वजह से हम उस कमांडर को, उस अमीर को महदी माऊद करार दें। हुजूर ने उसको सिर्फ अमीर के लफ्ज से याद किया, मुतलक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, रजुलुन सालेहुन, इमामुन, अमीरुन, आप उसी हैसियत से कबूल की, क्योंकि अल्लाह का कलाम आपसे ये कह रहा है कि मा आताकुमुर रसूल फखुजूहू, जो कुछ रसूल दे उसको कबूल करो। हम महलवी इसको सराखों पर रखते हैं और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई दलील ऐसी नहीं है कि उस अमीर को हम महदी माऊद करार दें। ये काम हुजूर का था, अगर हुजूर महदी उसको महदी माऊद करार देते तो हम कहते आमन्ना वसद्दक, मगर हुजूर ने तो उम्मत को ये बताया कि महदी वस्ते उम्मत में आएंगे, ईसा आखिर उम्मत में आएंगे, और इस अमीर को हुजूर कहीं भी खलीफतुल्लाह की हैसियत से पेश नहीं करते, जबकि महदी माऊद के मुतालिक आपने फरमाया कि वो अल्लाह के खलीफे महदी माऊद है। मैं समझता हूं कि यह मुख्तसर वजाहत काफी है। कई बातें फर्जी बातें उड़ा दी गई, मुश्किल ये है कि आवाम बिलीव कर लेते हैं। अब ये बात मिसाल के तौर पे उड़ा दी गई कि जब ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे मस्जिद के मीनार से दिमश्क के शहर में, मशरिकी हिस्से में मीनार से उतरेंगे तो महदी माऊद फौरन जाके सीढ़ी लगा देंगे, सीढ़ी लगा के उनको उतरने में मदद देंगे। अब आप देखिए सैकड़ों हजारों मुसलमान बेचारे कुछ भी नहीं जानते, वो बिलीव करते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे महदी अलैहिस्सलाम जाके सीढ़ी लगा देंगे। आप और तो फरमाइए, अब ये सीढ़ी लगाने का किस्सा जो इतना आम और इतना पॉपुलर है उसकी आखिर बुनियाद क्या है? हदीस में आया है हजरत नुवास इब्न सिमान रजी अल्लाह अन्हु
उनसे जो तवील हदीस मुस्लिम शरीफ में आई है उसमें ये आया है कि सैयदुना ईसा अलैहिस सलाम दमिश्क के मशरिकी जानिब मीनार से उतरेंगे, उनके बालों से पानी टपक रहा होगा ऐसा मालूम होगा, उनके जिस्मे मुबारक पर दो जर्द रंग के कपड़े पीले रंग के कपड़े होंगे वो उतरेंगे। तो कैसा उतरेंगे, देखिए मैं मुख्तसर आपको इतना सुना देता हूँ कि वाजियान कफ़ैहि अला अजनिहति मलिकैन, ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के बाजुओं पर रखे हुए उतरे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आप मानेंगे या सीढ़ी लगा के खड़े होने के किस्से को मानेंगे? आवाम को यह बता दिया गया कि महदी अलैहिस्सलाम सीढ़ी लगा के खड़े रहेंगे, वो महदी अलैहिस्सलाम को गुजर के तो एक जमाना हो चुका होगा। और फरमाए सच्चे महदी आए और गए, ये सीढ़ी लगाने का काम ना महदी अलैहिस्सलाम का है ना उस अमीर का है बेचारे का, वो तो फरिश्तों के बाजुओं पे हाथ रखते हुए उतरेंगे हदीस बता रही है। तो आप सीढ़ी लगाने की गुंजाइश ही कहाँ है? आप गौर तो फरमाइए, अफसाने मशहूर कर दिए गए, तारीख ढूंढती है फसानों के गोल में, बूढ़े भी नाचते हैं जवानों के गोल में। मामला वही